हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम करेंगे, और उसमें नेशनल मूवमेंट का अभी टॉपिक है जो हमारा चल रहा है। पार्ट वन ऑलरेडी हम कर चुके हैं एंड दिस इज पार्ट टू, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका भाग टू है जिसको अभी हम करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि क्या ऐसे बैकग्राउंड्स बनते हैं, क्या ऐसी पृष्ठभूमि बनती है, या कौन कौन से कारण थे जिनके कारण यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना है जो लोगों में जागृत हुई। उसके बाद में हमने देखा था कि प्री कांग्रेस एसोसिएशन हैं जो इसका आधार बनती है बेसिकली नेशनल मूवमेंट का। उसके बाद में हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद में हमने देखा था कि कौन कौन से मॉडरेट लीडर्स हैं। तो ये सारी चीज हमने कल कवर कर ली है और आज इससे आगे की बात है जो हम करने वाले हैं। तो एक बार आप सब लोग चेक करके बताएं एवरीवन कि आपको ऑडियो वीडियो पीपीटी क्लियर है। एवरीवन एक बार आप सब लोग चेक करके बता दीजिए फटाफट से, जिससे कि हमें पता लग पाए आपका पूरा का पूरा कि आपको ऑडियो या वीडियो क्लियर है या नहीं है। चलिए, तो एक बार आप सब लोग चेक करके बताओ एवरीवन कि आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। आई थिंक क्लियर है, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में गाइज, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। देन ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। उसके बाद सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेंगे। ये प्रोफाइल है, यहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी क्लासेस होंगी उनके रेगुलर नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। देन गाइज, अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके आइकोनिक के प्लान है, ये आपके प्लस के प्लान है। सबसे बेस्ट जो प्लान होगा वो आपका 24 मंथ एंड 12 मंथ का प्लान है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड है मेरा शिव10, इसको अप्लाई कीजिए, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपके जो कंप्लीट कोर्स हैं वो आपको करवाए जाएंगे। 24 मंथ एंड 12 मंथ का सबसे बेस्ट प्लान है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन गाइज, ये आपके सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकोनिक में आपको मिलते हैं। ज्यादा फायदा आइकोनिक में होगा क्योंकि यहाँ से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब आपको मिलती है। उसके अलावा ये हमारा शेड्यूल है, तो हमारी जो पेपर टू की क्लासेस होंगी गाइज वो 7:30 पे होगी। कल आपकी क्लासेस होंगी तो सब लोग उसको अटेंड करें। पेपर वन की जो क्लास होती है वो शाम को 4 बजे होती है, तो इसको भी आप सब लोग अटेंड करें। जो भी स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है, वो शिव10 मेरा अनलॉक कोड है, इस कोड को अप्लाई करके आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ को भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है, और इसके अलावा आपके गाइस बहुत सारे पेपर वन के अदर बैचेस भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लक्ष्य बैच और टारगेट जीआरएफ है। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहें उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन का जो कोर्स है वो 29 दिसंबर से शुरू होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हम तो हिस्ट्री वाले हैं, हिस्ट्री का ऑलरेडी आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार आप सब लोग इसको शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। आप सभी लोग इसको लाइक और शेयर करें जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। चलो तो शुरू करते हैं सेशन को। और जैसा कि हमने कल स्टार्ट कर लिया था ऑलरेडी इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो बेसिकली कल हमने जो डिस्कस किया था वो एक ब्रॉड स्टेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन कौन से तीन व्यापक चरण हैं, यानी कौन कौन से स्टेजेस थी आपकी, उनको हमने डिस्कस किया। फर्स्ट पीरियड में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मॉडरेट वाला फेज है, जिसको हम नरम दल वाले नेताओं का जो दबदबा था, यानी जो मॉडरेट फेज है। उसके बाद हम 1905 से 1918 के बीच का जो पीरियड है वो आज करने वाले हैं, जिसको हम गरम दल की वाला पीरियड बोलते हैं, यानी एक्सट्रीमिस्ट पीरियड बोलते हैं। उसके बाद में गांधीयन फेज की हम बात करते हैं, और गांधीयन फेज को हम
कल करेंगे, आज बेसिकली हम हमारा जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो हमने कल किया था गाइस, वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड आपका जो मॉडरेट फेज है ना, इसमें बेसिकली क्या अंतर है। जो आपका उदारवादी चरण है और जो आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज था यानी चरमपंथी जो चरण है, इसमें बेसिक डिफरेंस की हमने कल बात कर ली है। उसके बाद में हमने गांधियन फेज की बात नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट थे, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, क्विट इंडिया मूवमेंट चला, है ना, ये सारे के सारे मूवमेंट है जो गांधी जी के अंदर में चले थे, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में हमने मॉडरेट लीडर की बात की थी कि कौन कौन से जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेताओं की हमने बात कर ली थी, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा सबको। उसके बाद में हमने बात किया था कि कौन कौन से डिमांड्स थी, नरमपंथियों की डिमांड कौन कौन सी थी, इसके बारे में हमने कल चर्चा की। उसके बाद हमने जो चर्चा की थी कि इन नरमपंथियों की क्या क्या वीकनेसेस थी, क्या क्या कमजोरी थी, बेसिकली इनकी कमजोरी क्या थी, उनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने डिफरेंट डिफरेंट जो अंग्रेजी ऑफिसर्स थे यानी ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था उसको हमने डिस्कस किया था, ब्रिटिश रिएक्शन, इन नेताओं के प्रति ब्रिटिश के क्या क्या रिएक्शंस थे उसको हमने डिस्कस किया। डफरिन को हमने देखा, कर्जन को हमने देखा, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट है जो सर सैयद अहमद खान और राजा शिवा प्रसाद के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद में हमने अचीवमेंट्स देखे कि जो उदारवादी हैं उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। नाउ आज जो हम देखेंगे गाइस वो एक्सट्रीमिस्ट फेज है उसको देखेंगे। तो हमारा मॉडरेट फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप बता दीजिए, बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हम कर लेंगे। अभी जो हम करने वाले हैं वो आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो नरमपंथी या जिसको हम चरमपंथी वाला फेज बोलते हैं उसको अभी हम शुरू करने वाले हैं। कितना समझ में आया सबको, एवरीवन? चलो जी, तो अब चलते हैं हम एक्सट्रीमिस्ट की ओर। एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट वाले क्या बोले मॉडरेट वालों से कि आपका जो तरीका है ना, आपकी जो अप्रोच है, जो सॉफ्ट अप्रोच है, ये ठीक नहीं है, इससे अंग्रेज हमें कुछ भी नहीं देने वाले हैं। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो यंगर जनरेशन थी, उन्होंने क्या बोला कि इन अपील्स और पिटीशन से काम नहीं चलने वाला, हमें इनसे फंडामेंटल या रेडिकल डिमांड्स मांगनी पड़ेंगी और इसके लिए हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। सो इंस्टेड दे मेड अ रेडिकल और फंडामेंटल डिमांड्स एंड अडॉप्टेड स्ट्रॉन्ग वेज ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। जो हमारे बुजुर्ग या जो ओल्ड जो जनरेशन थी वो सॉफ्ट अप्रोच को अपना रहे थे, और ये वाले जो एक्सट्रीमिस्ट वाले हैं गाइस, ये रेडिकल अप्रोच वाले आदमी थे। यहां हम बात करें तो इनके जो मेन नेता थे, द मेन मिलिटेंट लीडर्स वर बिपिन चंद्र पाल, पुलिन दास, रास बिहारी बोस, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, के मित्र, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कौन कौन से चरमपंथी वाले नेता थे यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन है। तो बिपिन चंद्र पाल, पुलिन दास, रास बिहारी बोस, लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष, के मित्र, अश्विनी कुमार दत्त और लाला लाजपत राय, ये आपके मेन मेन हमारे मुख्य मुख्य उग्रवादी नेता थे, इसको हमें याद रखना है ना। उसके अलावा यहां पे जब हम एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बात करते हैं, इस विचारधारा की बात करते हैं गाइस, तो इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में इन्होंने बात की, है ना, दे स्पोक इन द फेवर ऑफ यूजिंग स्वदेशी गुड्स। इन्होंने बोला कि जितने भी विदेशी गुड्स हैं, जितना भी विदेशी कपड़े हैं, उन सबको हम बॉयकॉट करेंगे, है ना, यानी नमक तो देश का ही खाना है,
टाटा नमक ही खाएंगे, दूसरा नमक नहीं खाएंगे, है ना, देश का नमक आता है ना, एक एड आता है। इसी तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग थे उन्होंने बोला कि कोई विदेशी कपड़े नहीं पहनेगा, सब विदेशी कपड़ों को बाइकॉट करेंगे गाइस। उसके अलावा उन्होंने बोला कि कोई भी विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, कोई भी विदेशी एजुकेशन नहीं लेगा, कोई भी फॉरेन एजुकेशन नहीं लेगा, सबके सब नेशनल एजुकेशन लेंगे गाइस, है ना। उसके अलावा जो मेन डिफरेंस आपको दिखेगा एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वाली में, हमने कल भी बात की थी कि जो मॉडरेट वाले जो नेता थे गाइस, मॉडरेट वाले जो नेता थे उनकी कोई मास अपील नहीं थी, नो मास अपील। और जो एक्सट्रीमिस्ट वाले नेता थे उनकी मास अपील बहुत थी, यानी वो लोगों को अपने से जोड़ रहे थे, जबकि जो मॉडरेट वाले थे उनकी कोई मास अपील नहीं थी, उन्होंने लोगों से अपने आप को जोड़ के नहीं रखा। ओके, और जो एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग थे उनकी मास अपील थी ना, उनका मानना ये था कि भाई अगर हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है तो हमें मास एक्शन करना होगा, हमें लोगों पे विश्वास करना होगा, दे पुट देयर फेथ इन द पब्लिक। लेकिन जो मॉडरेट वाले थे वो लोगों से नहीं जुड़ते थे, ना। यहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग थे उनका मानना ये था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी। स्वराज का यहां पे मतलब क्या है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ये आपके एक्सट्रीमिस्ट वाले लोगों की विचारधारा थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके उदय का कारण क्या है, मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि लोग मॉडरेट वाले को नहीं अपनाना चाह रहे थे और लोग एक्सट्रीमिस्ट जो विचारधारा थी उसकी ओर अग्रसर हो रहे थे। वाई एक्सट्रीमिस्ट, यानी एक्सट्रीमिस्ट का उदय का कारण क्या है गाइस? तो सबसे पहले तो आप देखिए, फेलियर ऑफ मॉडरेट मेथड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फेलियर ऑफ मॉडरेट मेथड ऑफ एजुकेशन। दूसरा, ग्रोइंग कॉन्सियसनेस अमोंग इंडियंस। तीसरा है रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। चौथा है रियलाइजेशन ऑफ नीड फॉर मास एक्शन। पांचवा है आपका ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमोंग द इंडियंस। छठा है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान, डिफीट ऑफ इटली बाय द इथोपिया, इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन निहिलिज्म या इमरजेंस ऑफ रेडिकल लीडर्स। अब इसको एक एक को समझिए गाइस। फेलियर ऑफ मॉडरेट मेथड ऑफ एजिटेशंस, है ना, जो मॉडरेट मेथड से बेसिकली जो उदारवादी नेता थे उनसे कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो उदारवादी जो लीडर्स थे उनके जो मेथड्स थे ना, उनके जो पिटिशंस और जो अप्लीकेशन वाली जो तरीके थे उनसे हमें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, उससे लोगों को निराशा ही लगी। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि कोई अल्टरनेटिव मेथड है वो हमें खोजना पड़ेगा। इसके बाद यहां हम जो बात कर रहे हैं 1905 के बाद की बात कर रहे हैं गाइस, यहां पे लोगों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हो चुकी थी, कॉन्शियसनेस है, भारतीयों की जो चेतना है उसमें विकास हुआ, लोग पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे थोड़े थोड़े, कुछ लोग एजुकेटेड भी हो रहे थे, कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर पे जो डेमोक्रेसीज थी, जो लिबर्टी थी, ऐसे विचारों से लोग यहाँ से प्रभावित थे, तो लोगों में एक चेतना का विकास हुआ। तो ये भी एक कारण बनता है कि उदारवादी चरण का विकास हुआ। उसके बाद में यहाँ पे रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की दमनकारी नीतियां, जैसे करजन जैसे लोग थे वो बहुत ही अत्याचारी थे और उनकी पॉलिसीज के कारण लोगों में एक रिएक्शन हुआ। तो जनरली हम बोलते हैं कि नेशनलिज्म के लिए करजन की रिएक्शनरी पॉलिसीज भी काफी हद तक जिम्मेदार कारक मानी जाती है। उसके अलावा रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर द मास एक्शन, जैसा कि हमने बात की कि यहां पे आके क्या हुआ कि पहले लोगों को लगता था कि जो लीडरशिप है वही सब कर लेगी, लेकिन यहां पे आके रियलाइज हुआ कि लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है ना, इसलिए ये उदारवादी विचारधारा इसका विकास हुआ। ग्रोथ ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट अमोंग द इंडियंस, ये हमने पहले भी बात की थी कि जब कोई किसी दूसरे देश पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं गाइस, तो सबसे पहले उसके कल्चर और संस्कृति को वो तहस नहस करते हैं।
ऐसा ही कुछ अंग्रेजों ने भारत में आके किया। उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स हैं उनका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया, हमारा जो कल्चर है उसको सेकंड पोजीशन पर उन्होंने लाना स्टार्ट किया। लेकिन ये कुछ समाज सुधारक जो थे, है ना, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं, इसके कारण लोगों को एक सेल्फ रिस्पेक्ट आई अपने धर्म अपनी संस्कृति के प्रति, ना, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत माता की फोटो यहां से बनने लगती है ना, स्वदेशी स्कूल यहां पे खुलने लगते हैं, स्वदेशी कपड़े हैं यहां पे हम पहनने लगते हैं, कॉलेजेस यहां पे खुलने लगती हैं। तो लोगों में क्या हुआ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका विकास हुआ, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द इंडियंस। उसके बाद में जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कि यहां पे जो चिंटू मिंटू देश थे, छोटे छोटे देश बड़े बड़े देशों को हरा रहे थे वर्ल्ड वाइड, आप देखोगे तो जापान जैसा छोटा सा देश और रशिया को उसने हरा दिया, ठीक है। द डिफीट ऑफ रशिया बाय द जापान। इटली ने इथोपिया को हरा दिया। इन सब से क्या हुआ, हमारे मन में भी कॉन्फिडेंस आया कि यार ये जापान हरा सकता है रशिया को, तो हम भी इन अंग्रेजों को हरा सकते हैं। उसके बाद में यहां पे कुछ रेडिकल लीडर्स हैं, लाला लाजपत राय जैसे, ठीक है, इनका विकास हुआ। इन रेडिकल लीडर्स का विकास होने से यहाँ पे जो आपका बेसिकली हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप है उसका विकास हुआ। तो ये कुछ मेन मेन रीजंस थे उनके उदय के कारण, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है उसके उदय के कारण, ये उसके कुछ कारण है राइज के, तो इसको आपको याद रख लेना है। क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, एनी वन, कोई भी आपको डाउट हो तो इसमें। ओके चलिए, अब उसके बाद में कुछ हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पार्टीशन पार्टीशन ऑफ बंगाल, या हम बोल सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जिनका उदय हुआ गाइस, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, बेसिकली इसके बेसिक्स आपको पता ही होंगे ना, कि ये क्यों किया गया, है ना, क्या इसके पीछे मेन मोटिव था, ऑफिशियल रीजन क्या दिया और इसका मेन कारण क्या था गाइस। ऑफिशियल रीजन तो ये दिया क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, हिंदू और मुस्लिम को लैंग्वेज के आधार पर गाइस वो डिवाइड करना चाहते थे, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी बेसिकली यहां पे थी। लेकिन उनका मेन एम क्या था, बेसिकली हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना, और उन्होंने ऑफिशियल रीजन क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का, कि भाई ये बहुत बड़ा एरिया है, हम इतना इसको संभाल नहीं पाते, तो दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, जिसको हम ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना, और बाद में वही ईस्ट बंगाल है जो बांग्लादेश आपका बनता है। तो जो रियल मोटिव था गाइस वो था कि डिस यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, जिससे कि नेशनल मूवमेंट को वो तोड़ सके, है ना, यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट के बीच बोने और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए था। दो रीजन थे, ऑफिशियल रीजन था, एक रियल रीजन था। ऑफिशियल रीजन क्या दिया, कि भाई हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा, प्रशासनिक सुविधा होगी, जिसके कारण हम कर रहे हैं। लेकिन असली कारण तो हमें पता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को वो यहां से तोड़ना चाहते थे। अब यहां पे एच रिस्ले ने अनाउंस किया, बंगाल यूनाइटेड इज पावर, बंगाल डिवाइडेड विद पुल इन सेवरल वेज, है ना। तो अगर इन्होंने बोला कि अगर बंगाल एक साथ रहेगा तो बहुत पावरफुल है, अगर हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना। 9 जुलाई 1905 को यहां पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने ऑफिशियली जो ऑर्डर है उसको पास किया। तो आपको दोनों क्वेश्चन डेट्स इंपॉर्टेंट है, कि इसको एसेंट कब मिली, 9 जुलाई 1905 को, और कर्जन ने ऑफिशियली ये अनाउंस कब किया, 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद में के मित्र हैं, उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम है संजीवनी, को जरूर याद रखना।
पहली बार जो बाइकआउट का जो विचार था वो इनके द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा के मित्र के द्वारा, कौन से न्यूज़पेपर में, संजीवनी उनका न्यूज़पेपर चलता था जिसमें बोला कि बॉयकॉट करना है हमें। उसके बाद में यहां पे 1905 में एक सेशन होता है, बनारस का सेशन है ना, यहां से जो झगड़ा है वो बेसिकली स्टार्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि 1907 वाले सेशन में सूरत स्प्लिट होता है। अब वो झगड़ा क्या था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पे जो बनारस का सेशन हुआ उसमें कुछ लोग चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है, बाइकोट मूवमेंट है, ये सिर्फ बंगाल में रहे, मॉडरेट्स वाले। एक्सट्रीमिस्ट वाले क्या चाह रहे थे कि ये मूवमेंट बंगाल से भी बाहर जाना चाहिए। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने बोला कि स्वदेशी मूवमेंट है, बंगाल तक ही रखिए, बंगाल के बाहर मत भेजिए। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो ये चाह रहा था कि इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर भी ले जाया जाए। इसके दौरान कुछ न्यूज़पेपर थे, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसके अलावा छोटे मोटे कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका भी थोड़ा सा ब्रीफ हम देख लेते हैं। एक तो अनुशीलन कमिटी है ना, जो पुलिन दास के द्वारा फाउंड की गई थी। एक अनुशीलन समिति है जो कि बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फाउंड की गई थी। ये दोनों डिफरेंट हैं गाइस। अनशीलन है ये, अनशीलन है जो कि पुलिन दास के द्वारा, एक है अनुशीलन जो कि बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फाउंड किया गया था। उसके बाद में एक अभिनव भारत सोसाइटी है जो कि गणेश सावरकर बेसिकली है ना, ये सावरकर हैं, वीडी सावरकर के ब्रदर, इनके द्वारा इस सोसाइटी का फाउंडेशन किया गया था। उसके बाद में आपका जो है वो है मित्र मेला है ना। तो मित्र मेला की जब हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपका वीडी सावरकर है के द्वारा फाउंड किया गया था। बाद में ये भी अभिनव भारत सोसाइटी में ही मर्ज हो जाता है गाइस। उसके बाद में एक आता है स्वदेश बंधव समिति जो कि फाउंड किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक है, स्वदेश बंधव समिति किसके द्वारा फाउंडेशन हुआ था? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे एक आनंद मठ प्ले आया था बंकिम चंद्र चटर्जी का, जिसने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई। उसके बाद में चिदंबरम पिल्लई, यहाँ पे टूटीकोरिन नेविगेशन कंपनी स्टार्ट की, एक बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ये भी सेटअप किया गया। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हुए थे जिसके कारण नेशनलिज्म को यहाँ पे बढ़ावा मिला, यानी राष्ट्रवाद को यहाँ पे बढ़ावा मिला। इसको आप दोबारा देख लीजिए है ना सब लोग। हमने पहले बात की थी के मित्रा की, संजीवनी न्यूज़पेपर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बनारस सेशन से झगड़ा स्टार्ट होता है कि भाई इस मूवमेंट को बंगाल तक रखें या बंगाल से बाहर लेके जाएं, टोटल बॉयकॉट करना है। बाद में यही झगड़ा आते आते 1907 तक आ जाता है और यहाँ पे कांग्रेस है वो दो पार्ट में टूट जाती है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। उसके बाद में हमने देखा कि अनशीलन समिति है जो कि पुलिन दास के द्वारा फाउंड की गई है। उसके अलावा अनुशीलन समिति है जो कि बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फाउंडेशन जिसका हुआ है। उसके बाद में हमने अभिनव भारत सोसाइटी देखा जो कि गणेश सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर और गणेश सावरकर दोनों ही रिलेटेड है। स्वदेश बंधव समिति है, अश्विनी कुमार दत्ता से संबंधित है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो कि आनंद मठ जिन्होंने लिखा है। चिदंबरम पिल्लई जिन्होंने टूटीकोरिन नेविगेशन कंपनी स्टार्ट की, इसी टाइम पे बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है इसका सेटअप हुआ था। इतने फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ पे फैला। तो वो यूपी में फैला, सेंट्रल प्रोविंसेस में भी फैला, बॉम्बे में फैला, पंजाब में फैला और मद्रास में भी फैला। क्वेश्चन आता है कई बार कि बॉम्बे से कौन कौन लीडर्स थे जो इसको लीड कर रहे थे, तो तिलक और SM प्रांजप्पे, ये बॉम्बे से लीडर थे। पंजाब की बात करें तो लाला लाजपत राय है, राम गंगा राम, ठीक है। मद्रास से बात करें तो सुब्रमण्यम आयर, पी आनंद मोहन चालू, TM नायर और T प्रकाशम, ये बेसिकली पंजाब के लीडर थे।
उसके बाद में हम बात करते हैं 1906 में आपका जो कांग्रेस का जो सेशन होता है उसमें बेसिकली दादा भाई नारोजी थे। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कौन से सेशन में स्वराज को अडोप्ट किया गया। तो 1906 का जो सेशन हुआ था ना, आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताइए सब लोग कि यहां पे जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1906 वाला, वो कहां पे हुआ था जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, यहां पे स्वराज है उसको अडोप्ट किया गया, तो ये हमें याद रख लेना है। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? चलिए, तो हमने देखा यहां से बनारस सेशन हुआ 1905 में, 1906 का सेशन होता है, फिर 1907 का सूरत में सेशन होता है जहां पे कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाती है, क्योंकि झगड़ा क्या चल रहा था कि जो बाइकोट मूवमेंट है इसको बंगाल तक रखना है या बंगाल से बाहर लेके जाना है, तो इसी बात को लेके इन दोनों में झगड़ा था बेसिकली। और कुछ और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे जैसे कि प्रेसिडेंस किसको बनाया जाए, एक तो मूवमेंट के कहां तक रखना है, एक प्रेसिडेंट को लेके इनमें झगड़ा बेसिकली हो रहा था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सूरत सेशन जो 1907 का जो हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में टूट जाती है। गाइस, जो 1905 का था वो बनारस में हुआ था, 1906 का कलकत्ता में होता है और 1907 का सूरत में होता है, इसको याद रखिए सब लोग। ठीक है, तो 1906 का जो सेशन हुआ था, यहाँ पे जो कांग्रेस है वो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में टूट जाती है, दो पार्ट में यहां पे टूट जाती है कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, इसको आप याद रख लीजिए। एवरीवन, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखना ही रखना है सबको। नाउ यहीं पे हम देखते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग का भी फाउंडेशन होता है ना, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ढाका के द्वारा, ये दो मेन लीडर होते हैं जिनका हाथ होता है मुस्लिम लीग के फाउंडेशन। तो जो 1906 का जो सेशन था बेसिकली, इसमें नोट, 1906 का सेशन, 1906 में जो मुस्लिम लीग है उसकी भी स्थापना होती है, किसके द्वारा की जाती है, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा जो कि ढाका के थे, ये जरूर याद रख लेना। तो अभी तक हमने क्या क्या बात की एक बार देख लीजिए सब लोग दोबारा से, मैं एक्सट्रीमिस्ट वाले फेज को पूरा दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ आपको। एक्सट्रीमिस्ट वाले फेज की बात करते हैं 1905 से 1919, या जब तक गांधी जी नहीं आते तब तक ये फेज आपका बेसिकली चलता है। उसके अलावा यहां पे जो अप्रोच है वो बेसिकली लीडर्स की चेंज होती है। अप्रोच क्या होती है, सॉफ्ट अप्रोच से रेडिकल की ओर चले जाते हैं, यानी कि उदारवाद से चरमपंथ की ओर वो चलते हैं। इसके मेन मेन नेता हमने देख लिए, पीसी पोल, विपिन चंद्र पोल, पुलिन दास, रास बिहारी बोस, लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष, के मित्र, रश्मि कुमार दत्ता, लाला लाजपत राय। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो लोग थे एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग, ये स्वदेशी की वकालत करते हैं, फॉरेन गुड्स को ये बाइकॉट करते हैं, नेशनल एजुकेशन पे फोकस करते हैं, मासेस को अपने से जोड़ने की बात करते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग थे उनको बोला कि हमें छोटी मोटी आजादी नहीं चाहिए, टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ये इनकी विचारधारा थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके उदय होने के कारण क्या क्या थे, यानी राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, वट वर द मेन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉडरेट्स थे उनकी पॉलिसी से कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा था, इंडियंस हैं उनमें एक कॉन्शियसनेस है उसका डेवलपमेंट हो रहा था, यानी उनकी चेतना है उसमें विकास हो रही थी, गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज थी, वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनसे हमारा मनोबल बढ़ा कि जापान जैसा कंट्री जब रशिया को हरा सकता है तो हम तो बहुत बड़े देश हैं, हम तो आराम से इन अंग्रेजों को हरा सकते हैं, तो ये भी एक कारण बना। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, हमने देखा कि मेन कारण और ऑफिशियल रीजन दोनों अलग अलग थे, मेन कारण था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कैसे ब्रेक किया जाए।
20 जुलाई 1905 को ऑफिशियली जो करजन भाई साहब है वो अनाउंस कर देते हैं कि भाई आज से बंगाल है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो में टूट गया है। उसके बाद में इस दौरान बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बुक्स, ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे संजीवनी, के मित्र है ना, अनुशीलन समिति आती है आपकी है ना, अभिनव भारत सोसाइटी, मित्र मेला, स्वदेश बंधव समिति, आनंद मठ, चिदंबरम पिलाई की टूटीकोरन नेविगेशन कंपनी, इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे खोला जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लीडर्स होते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि यूपी में हमने देखा कि नोट यूपी, बॉम्बे में हमने देखा कि तिलक जैसे महान नेता, पंजाब में देखा कि लाजपत राय है ना, मद्रास में हमने देखा कि सुब्रमण्यम आयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स होती हैं जिनका बहुत योगदान होता है इस मूवमेंट को स्प्रेड करने में। उसके बाद में सूरत सेशन में हम देखते हैं कि कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाती है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1906 में ही आपका मुस्लिम लीग है उसका फाउंडेशन होता है बाय द आगा खान एंड नवाब सलीमुल्ला। इतना क्लियर है सबको, एवरीवन? अगर क्लियर है तो एक बार आप सब लोग मुझे थम्सअप करके बताओ कि सर क्लियर है। इससे आगे की चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नोट नेक्स्ट क्लास। इससे आगे की चीजें हैं वो हम बेसिकली करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम करते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो अभी कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो आपका स्टार्ट होगा वो वर्ल्ड वार से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध से, क्लियर है? चलो जी, तो शुरू करते हैं नेशनल मूवमेंट को, और नेशनल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको शुरू करते हैं गाइस। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सेविन ने अवज्ञा के अभियान के लिए गांधी के प्रस्ताव का सबसे उत्कृष्ट समर्थक कौन था? द मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर ऑफ गांधीज प्रपोजल फॉर ऑल आउट कैंपेन है ना, ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। बताओ, करेक्ट आंसर देना है आपको, तो बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। कै खै गै या क्या? 15 सेकेंड, सही आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सेविन ने अवज्ञा के अभियान के लिए गांधी के प्रस्ताव का सबसे उत्कृष्ट समर्थक कौन था? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। ए बी सी या डी, करेक्ट आंसर बताना है। सो द वेरी करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सरदार पटेल इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है गाइस, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ओके। कि किसने सपोर्ट किया इसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत स्प्लिट, अभी हमने बात की है सूरत स्प्लिट के लिए प्रसिद्ध सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? 15 सेकेंड, ये थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, रास है। अब बताओ, रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नारोजी या फिरोज शाह मेहता। सही आंसर क्या होगा? हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सूरत सेशन 1907 फेमस फॉर सूरत स्प्लिट। सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर। सो द वेरी करेक्ट आंसर इज ए,
ए इज द करेक्ट आंसर। रास बिहारी घोष जो कि मॉडरेट विचारधारा के थे, इनको यहां पे क्या चुना गया, नेता चुना गया, है ना। तो इसको याद रखना है, जैसा कि हमने बोला कि दो बातों को लेके उनकी लड़ाई थी, प्रेसिडेंट को लेके भी उनकी लड़ाई थी। तो यहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के थे वो चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन जो मॉडरेट लीडरशिप थी वो रास बिहारी घोष को बनाना चाहती थी, है ना। तो जनरली जो मॉडरेट्स हैं उनकी चली और एक्सट्रीमिस्ट वालों को नहीं चली। अब यहाँ पे जो कांग्रेस है वो दो फाड़ हो जाती, जो कांग्रेस है जो इस बात को लेके एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट दो भाग में टूट जाती। फिर हम देखते हैं कि तो 1916 का आपका जो सेशन होता है लखनऊ सेशन, वहां पे फिर ये दोनों एक साथ में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। तो ये चीज आपको जरूर से जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेयर्स ऑफ प्लेसेस वेयर अ पैरेलल गवर्नमेंट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एट द बोथ प्लेसेस, सतारा एंड तालचर, सतारा महाराष्ट्र एंड तालचर, बेला यूपी में और मिडनापुर बंगाल में, कानपुर यूपी एंड मुंगेर बिहार, मिडनापुर बंगाल एंड बनारस यूपी। 15 सेकेंड है और 15 सेकेंड में आपको आंसर देना है इसका। तो बताओ सही आंसर क्या होगा। सेलेक्ट द पेयर ऑफ प्लेसेस वेयर अ पैरेलल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एट बोथ द प्लेसेस, सतारा महाराष्ट्र, तालचर उड़ीसा, बलिया यूपी और मिडनापुर बंगाल, कानपुर यूपी और मुंगेर बिहार, या मिडनापुर बंगाल और बनारस यूपी। तो सही आंसर क्या हो, बताओ। सो द वेरी करेक्ट आंसर इज बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बहुत सारी तो नहीं, 5 से 6 जगहों पर बेसिकली आपकी पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। जैसे बेला, यहाँ पे कौन हेड कर रहे थे, चीटू पांडे, कामलुक, मिडनापुर और सतारा, ये तीन मेन थी जहां पे पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे चलाई जा रही थी गाइस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ना तो इसको जरूर याद रख लें। नाउ द नेक्स्ट, इन विच ईयर गांधी जी लेफ्ट साबरमती आश्रम अहमदाबाद एंड टुक अ वो टू रिटर्न ओनली आफ्टर अटेनिंग स्वराज, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत किया। 15 सेकंड बताओ। In which year Gandhi ji left Sabarmati Ashram, Ahmedabad and took a vow to return only after attaining Savras? 1933, 1922, 1930 या 1929? सही आंसर क्या होगा? तो बताओ। 1933, 1922, 1930 या 1929? बताएं आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी या डी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इज द करेक्ट आंसर गाइस, है ना। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकलते हैं आपके, जो जो, जो कि आप सबको पता है। एक चीज और याद रखनी है कि साबरमती आश्रम कब बना, तो 1917 में साबरमती आश्रम है वो बनाया गया था,
साबरमती रिवर के ऊपर। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई थी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1917 में आपकी स्थापना होती है साबरमती आश्रम की, तो इसको भी आपको याद रख लेना है सब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट मेनी अदर इफेक्टिव मेथड्स मेथड्स ऑफ सत्याग्रह, बायकॉट एंड पब्लिक प्रोटेस्ट वर डेवलप्ड एंड यूज। अभी हमने किया है इस टॉपिक को, तो बताओ, एंटी बांग्लादेश मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह या खिलाफत मूवमेंट, बताओ। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स मेनी अदर इफेक्टिव मेथड्स मेथड्स ऑफ सत्याग्रह, बायकॉट एंड पब्लिक प्रोटेस्ट वर डेवलप्ड एंड यूज्ड। एंटी बांग्लादेश मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह या खिलाफत मूवमेंट, ए बी सी या डी। सही आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ। एंटी बांग्लादेश मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह या खिलाफत मूवमेंट। सो द वेरी करेक्ट आंसर इज ए। इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? ए होगा, एंटी बांग्लादेश मूवमेंट के दौरान ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सत्याग्रह होता है ना, बाइकोट होता है, पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है, स्कूल्स में नहीं जाएंगे, खुद के स्कूल्स खोलेंगे, है ना, देश का नमक खाएंगे। ऑल्दो देश का नमक वाली बात डांडी के टाइम पे आती है, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे आती है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए देख सकते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ही उन्हें करना था। बहुत सारी इंडिजीनियस फैक्ट्रीज है वो यहाँ पे वो खोलने लग रहे थे। नेक्स्ट, ओके, और ये सबको पता होना चाहिए गाइस कि ये अनाउंस कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो है, डेट ऑफ पार्टीशन है, वो डिक्लेयर यहां पे किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव्स डेलीगेट डिड नॉट अपोज द गांधी इरविन पैक्ट इन कराची कांग्रेस। कांग्रेस के कराची सेशन में निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि ने यानी डेलीगेट्स ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था, है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि गांधी जी जब जाते हैं तो लोग उनको काले झंडे दिखाते हैं ऑन हिज वे, तो ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने उनका विरोध नहीं किया था, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। 15 सेकेंड आपके पास में, और बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जमनादास मेहता, स्वामी गोविंदानंद, यूसुफ मेहर अली या पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। सही आंसर दीजिए। ए बी सी या डी, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सो बताओ सब लोग, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, फटाफट से आंसर कर दीजिए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो द वेरी करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ओके, कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1931 के जो कांग्रेस का जो कराची सेशन था, बेसिकली कराची अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, बेसिकली यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो डी करेक्ट आंसर है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट,
हाँ, एक दो चीजें और हैं जो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अब यहां पे सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, ये तो आपको सबको पता ही है। यहां पे जो के एम मुंशी है, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। के एम मुंशी ने इसके बारे में क्या विचार रखे? के एम मुंशी ने बोला कि यह जो समझौता है, जो गांधी इरविन पैक्ट है, ये भारत के संविधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना के रूप में प्रस्तुत होगा। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो एग्रीमेंट है ये एक युग प्रवर्तक घटना के रूप में होगा। ये किसने बोला? के एम मुंशी के द्वारा बोला गया। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी याद रख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी जो षड्यंत्र केस था उसमें कौन संबंधित नहीं है? अब दो तीन क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए कि ये काकोरी कांड कब हुआ था, इसका ईयर आप बता दीजिए, और अगर आपको नाम पता है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे ये भी बता दीजिए, और काकोरी कहाँ पे है ये भी आप मुझे बता दीजिए। तो कमेंट करके ये सारी चीजें आप मुझे बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? शौकत उस्मानी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, असफ़ुल्ला खान। पंद्रह सेकेंड है और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? सो द करेक्ट आंसर इज ए, शौकत उस्माने, है ना। रामप्रसाद बिस्मिल उसमें थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, और असफ़ुल्ला खान, ये तीनों के तीनों काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थे। गाइस कब हुई थी? 1925 में, है ना। डेट लिख लीजिए आप, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड आपका होता है गाइस, है ना। हुआ क्या कि यहां पे लगभग 29 रेवोल्यूशनरीज इनको पकड़ा गया काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें मुख्य मुख्य नाम है आपके रामप्रसाद बिस्मिल, असफ़ुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना। ये कुछ लीडर्स थे गाइस जिनको फांसी भी हुई, है ना। और यहाँ पे एक ट्रेन है बेसिकली, उसको लूटा जाता है काकोरी में, है ना, में अंग्रेजों का हथियार वगैरह जो पैसे वगैरह होते हैं उसको लूटा जाता है। तो इस केस में ये लोग आपके शामिल थे गाइस। ओके, उसके अलावा आपको कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये जो आंदोलनकारी थे इनके तरफ से केस किस किसने लड़ा? तो इनके जो लॉयर थे वो कौन थे? गोविंद बल्लम पंत, चंद्रभान गुप्ता एंड कृपा शंकर हाजेला, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस कि यहाँ पे कि कौन कौन से इनके लॉयर थे, है गोविंद बल्लम पंत, चंद्रभान गुप्ता एंड कृपा शंकर हाजेला, ये इनके लॉयर थे गाइस। प्लीज इसको याद रख लेना है, भूलना नहीं है। एवरीवन, चले तो आगे चले। नेक्स्ट, विच क्वीन ऑफ नागालैंड रिवोल्टेड अगेंस्ट फॉरेन रूल ऑन गांधी जीस कॉल एंड वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट? इम्प्रिजनमेंट, नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरोध किया और उन्हें आजीवन कारावास की संज्ञा दी गई? रानी गैदाइलू, रानी अंबिका, रानी मैत्रेयी जगोई, रानी रोंगम्बे। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? पंद्रह सेकेंड है आपके पास में, और 15 सेकेंड में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध
विद्रोह किया और उन्हें आजीवन कारावास की संज्ञा दी गई। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका रानी गेदाई। इनको हम रानी लक्ष्मीबाई ऑफ नागालैंड के नाम से भी जानते हैं, ना? रानी लक्ष्मी बाई ऑफ नागालैंड। कौन थी ये? रानी गेदाइलो, जिसको आपको याद रखना है और भूलना नहीं है, जिन्होंने नागालैंड यानी नॉर्थ ईस्ट में जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, उसको स्टार्ट किया। ठीक है, एंड जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला क्वीन ऑफ नागास। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि रानी गैदाइलू को क्वीन ऑफ नागास किसके द्वारा संज्ञा दी गई, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको संज्ञा दी गई थी क्वीन ऑफ नागास, ये भी याद रखना है। 17 अप्रैल 1932 को इनको ब्रिटिश के द्वारा पकड़ लिया जाता है, फिर भारत आजाद होने के बाद में इनको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट, ओके, तो पूछ ले कि रानी गैदाइलू ने कहां पे अपना स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, तो नागालैंड की एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, और उसको नागाओं की रानी भी कहा गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द क्विट इंडिया प्रपोजल, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद या जेबी कृपलानी? किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा यानी जो क्विट इंडिया प्रपोजल है वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? ए बी सी या डी? आंसर कीजिए। सही उत्तर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? करेक्ट आंसर क्या है? तो मोस्ट ऑफ द पीपल ए कर रहे हैं, कुछ लोग सी भी आंसर कर रहे हैं, तो एक बार आप सब लोग अच्छे से चेक करके बताओ मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आपका ए, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। अब जो क्विट इंडिया जो मूवमेंट है उसकी जो मीटिंग हुई थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, वो 8 अगस्त 1942 को गवालिया टैंक ग्राउंड है बॉम्बे में, वहां पे हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी, है ना? प्लीज इसको याद रख लेना। और ये जो प्रपोजल है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रिकमेंड किया गया था, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, अगस्त रेवोल्यूशन, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट को, जब हम गांधी जी को पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, बट अभी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमने देख लिया इसको। नेक्स्ट, द फेमस रेवोल्यूशनरी आशुतोष कुइला वॉज अ मेंबर ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, कमीशनिंग कमेटी या विद्युत वाहिनी? बताएं सही आंसर क्या होगा। फेमस रेवोल्यूशनरी आशुतोष कोइला वॉज अ मेंबर ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? सो द करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी।
विद्युत वाहिनी, विद्युत वाहिनी जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, उसके मेंबर थे आशुतोष कोयला ना, विद्युत वाहिनी। ओके इसको याद रखना है और भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ना। और ये बेसिकली कहाँ पे थी ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपकी मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहां पे इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ, है ना। अभी मैंने बताया है मीटिंग का, बता दिया कि कहां पे मीटिंग हुई थी, आपको ये बताना है कि जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है वो किस दिन पारित हुआ। 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, या 10 अगस्त 1942 को, ए बी सी या डी। 15 सेकंड है, 15 सेकंड में बताना सही आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर। ए बी सी या डी, सो द करेक्ट आंसर इज बी। 8 अगस्त 1942 है ना, ग्वालिया टैंक में हुई थी, अब्दुल कलाम आजाद इसके चेयरमैन थे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आगे चले, 8 अगस्त को, नोट, 9 अगस्त, 8 अगस्त को, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया। लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन, ए बी सी या डी बताओ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया। लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन, इसका आंसर दीजिए। वेरी करेक्ट आंसर इज ए, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसको जरूर याद रख लेना सब लोग, है ना। और ये यहां पे ही डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। इसी 26 जनवरी को हमने नोट लेते हुए 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया, एंड 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये डे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो बहुत सबको पता होगा, बहुत कॉमन फैक्ट है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, इसको याद रख लीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं अपने, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी गांधीयन फेस को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक बार आप लाइक करें, थोड़ा सा सेव भी कर दीजिए, जिससे बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाएं। और कल 7:30 पे आपकी स्पेशल क्लास भी है, स्पेशल क्लास है, तो आप सब लोग उस स्पेशल क्लास को भी अटेंड करें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। 7:30 पे आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास को सब लोग अटेंड कीजिएगा, लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये शेड्यूल है मेरा, इसको आप फॉलो कीजिए। स्पेशल क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको एक कोड लगाना है, जिससे आपको फ्री क्लासेस और पीडीएफ मिलेगी। कल 7:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, वो होगी। प्रारंभ बैच की क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होती हैं। आज मॉर्निंग में हमारी हायर एजुकेशन की क्लास हो चुकी है, अब सब लोग उसको अटेंड कीजिए। ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए, इसके बाद सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपका अपकमिंग बैच है गाइस, वो पेपर वन का आने वाला है, पेपर टू का ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं।
एंड ये आपके आइकोनिक के प्लान है, ये आपके प्लस के प्लान है। 24 मंथ एंड 12 मंथ के सबसे बेस्ट प्लान है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में शिव 10। जैसे ही आप कैपिटल में शिव 10 लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिए, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकोनिक में आपको मिलते हैं। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको सिर्फ आइकोनिक में मिलता है। तो ज़्यादा फायदा आइकोनिक में है बजाय कि प्लस में, क्योंकि प्लस में वो सारे, आइकोनिक में वो सारे के सारे फीचर ऑलरेडी आपको मिलेंगे जो प्लस में मिलते हैं। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं।